नमस्कार दोस्तों, चाइना के अंदर अभी एक नई चीज़ शुरू हो गई है। वो है कि यहाँ पर होमलेस लोग बढ़ने शुरू हो गए। अब ये बड़ा अजीब लगेगा, मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि चाइना के अंदर हम लोग यहाँ पर जो सिटी में मैं रहता हूँ वो 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और वहाँ पर 250-300 से ज़्यादा आपको होमलेस लोग नहीं मिलते। लेकिन अब यहाँ पर उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। इकोनॉमिक स्ट्रगल्स लोगों के बढ़ने शुरू हो गए और जिसके कारण अब लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अपनी ज़िंदगी को चलाएं कैसे। घरों को अफोर्ड नहीं कर सकते जो किराए के मकान में थे, उन्होंने अब सड़कों पर रहना शुरू कर दिया है क्योंकि मजबूरी बन गई है। इसी को मैं थोड़ा सा कवर करूंगा बिकॉज इसके इम्प्लीकेशंस भारत के ऊपर भी हैं और भारत के अंदर भी बहुत बड़ी एक मुहिम शुरू हुई है जिसको बोलते हैं कि होमलेस लोगों को कम करने की, लेकिन भारत की गवर्नमेंट उसे कम नहीं कर पा रही। लेकिन चाइना में क्या हो रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस कैसे हैं भारत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये जो चीज़ें आज चाइना में देख रहे हैं कभी ना कभी भारत में भी होती हुई दिखाई देंगी। अमेरिका के अंदर होमलेस बढ़ते जा रहे हैं, यूरोप में बढ़ते जा रहे हैं और भारत का भी यही हाल है। अब हुआ क्या है, क्योंकि ये समझना ज़रूरी है कि बीजिंग हो, शंघाई हो, जो गुआंगझो है, बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, वहाँ पर एकदम से होमलेस लोग बढ़ गए हैं। सड़कों पर लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है और ये दुनिया की सबसे सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी है। अब ये हो क्यों रहा है, आप सोच के देखिए। जो यूथ है आज की डेट में, ज़्यादातर आपको वहाँ पर यूथ दिखेगा। यूथ आप सोच के देखिए कि सपोजिंग आपने ग्रेजुएशन किया है अभी अभी टॉप यूनिवर्सिटी से, दिल्ली या मुंबई की, आपके हाथ में एक डिग्री है, आपका एक ड्रीम था कि मुझे जैसी डिग्री करूँगा मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिलेगी और मैं अपनी ज़िंदगी को चलाऊँगा। लेकिन आपको या तो आपके पेरेंट्स के घर में वापस जाकर रहना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, या आपको सड़कों पे जीना पड़ रहा है क्योंकि आप अपने घरों में, गांवों में वापस जाना नहीं चाहते। चाइना के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे यूथ हैं जो आज, जिसको इनका नाम दिया इन्होंने अनफिनिश्ड यूथ, यानी कि वो यूथ जिन्होंने पढ़ाई तो कर ली लेकिन अपनी ज़िंदगी को चलाने का उनको रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इसके कारण जो फाउंडेशंस हैं चाइना के, जिसको हम सोशल स्ट्रक्चर बोलते हैं, वो हिला पड़ा है। एक तो ये रीज़न है जिसके कारण होमलेस लोग बढ़ने शुरू हो गए। दूसरा एक और रीज़न है कि जो यहाँ पे सिटीज़ हैं, इतनी बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, शाइनिंग सिटीज़ हैं, आज साइलेंट पड़ी हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट तो हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो गया, लेकिन जो स्क्रिप्ट है पूरे सिटी की वो उल्टी हो गई है। उसके अंदर एक और चीज़ हो रही है कि जो बड़े बड़े, जिसको इंडस्ट्रियल हाउसेज बोलते हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज जो फैक्ट्रीज हैं उसके बाहर लोग सड़कों पर सो रहे हैं। फैक्ट्री के अंदर जॉब नहीं है, फैक्ट्रियों से लोगों को निकाला जा रहा है। गांव में जाकर करेंगे क्या, वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, करेंगे क्या, सड़कों पे ही सोएंगे। इसके कारण भी जो होमलेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सुनने में अच्छी चीज़ नहीं है लेकिन ये रियलिटी है, तभी मैं कवर कर रहा हूँ। गवर्नमेंट ने यहाँ पर इतना काम किया, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा कि किस तरह से जो यहाँ की चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने होमलेस लोग, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा थे, 70-80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे कोई 20 साल पहले, और इन्होंने सबको घर दिए, सबको गरीबी रेखा से ऊपर निकाला और तरक्की दिखाई। लेकिन आज ये उसी चीज़ में दोबारा से पहुंचते जा रहे हैं और इससे निकलने के लिए ये क्या कर रहे हैं वो भी बताऊंगा, और भारत की गवर्नमेंट को क्या सीखना चाहिए, आपको क्या सीखना चाहिए, ये भी आपको समझने की ज़रूरत है। एक और चीज़ हुई है यहाँ पर कि जो वेल्दी लोग थे, जो मिलियनेयर्स थे, उन्होंने यहाँ से अब पैसा निकालना शुरू कर दिया। भारत में क्या हो रहा है, भारत में जो पढ़ लिख जाता है वो भारत को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर काम करना शुरू करता है कि मुझे वहाँ पे अच्छी सैलरी मिलेगी। चाइना के अंदर जो इन्होंने पैसे बनाए थे, उन्होंने यहाँ से अपने बैग को पैक किया, पैसों को लिया और दूसरे कंट्रीज में जाकर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उससे यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई हैं, जिसके कारण यहाँ पर होमलेस का जो प्रॉब्लम है वो और बढ़नी शुरू हो गई। अब ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए कि चाइनीज़ कंपनीज़ चाइना से निकलकर बाहर कंट्रीज़ में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं। अब जो यहाँ पर फॉरेन की कंपनीज़ चाइना में बैठी हुई थी उन्हें अट्रैक्ट करने का ये परफेक्ट टाइम है, ताकि जो हमारा यूथ है, जो अनएम्प्लॉयड है भारत के अंदर, उसे भी एक एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटी मिले और वो भारत में पढ़कर भारत में ही काम करे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। भारत को अब एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का सेंटर बनाने का ये परफेक्ट टाइम है। गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, लेकिन क्या इसका एडवांटेज पूरा हम ले पाएंगे ये वक्त बताएगा। पर ऐसा चाइना इज़ कंसर्न, चाइना की जो मैं बेसिक प्रॉब्लम बता दिया, मैन्युफैक्चरिंग कम है, लोग सड़कों पे आ गए,
जो वर्कर क्लास है, जो यूथ है, वो सड़कों पे सोने के लिए मजबूर है। पुल जो है, पुलों के नीचे लोग सो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, क्योंकि जॉब नहीं है। और यही चीज़ भारत के अंदर भी है आज की डेट में। अब इसका रिपल इफेक्ट क्या है? रिपल इफेक्ट ये है कि एंटी चाइना सेंटीमेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया, जैसे अमेरिका है, वो चाहती है कि चाइना की प्रॉब्लम्स कम ना हो, वो चाहते हैं कि चाइना और डूबे, ताकि जो अमेरिका का दबदबा था पूरी दुनिया में इकोनॉमी के ऊपर, मिलिट्री के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर, फॉरेन जिसको बोलते हैं डिप्लोमेसी में, वो कम ना हो, इसलिए वो ये ट्रेड टेंशंस को और बढ़ाने की बातें बोलते हैं। आगे अगर ट्रंप आ गया तो भट्टा बैठ जाएगा चाइना का, यहाँ पे जो होमलेस लोग हैं वो और बढ़ने वाले हैं। अब आती है भारत की बात। अब भारत का टाइम है कि जो हमारे बिजनेस हाउसेज हैं, भारत के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो इजी वे आउट ढूंढते हैं। वो आएंगे चाइना में, सस्ता माल खरीदेंगे और भारत में जाके बेच देंगे। मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ाना ही नहीं चाहते, मेक इन इंडिया के ऊपर कोई काम ही नहीं हो रहा उतने लेवल पर जितना मोदी जी चाहते थे। इसीलिए अगर अपने कंट्री में जो यूथ है इसे आगे बढ़ाना है, हमें मेक इन इंडिया के ऊपर काम करना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है, लेकिन उतना नहीं जितना चाइना ने अपनी गलती करी। इन्होंने पूरे दुनिया की ये फैक्ट्री बन गई। भारत की डायरेक्शन बिल्कुल सही है कि हम 70% भारत में बनाकर खुद कंज्यूम करें, 20-30% हम एक्सपोर्ट करें। एक प्रॉब्लम चाइना ने जो करी जो हमें नहीं करनी है, राहुल गांधी ने उसने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करूंगा। ये फॉर्मूला भी चाइना ने ही दिया है, क्योंकि चाइना में एक कॉमन वर्ड है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, मतलब जो रिच है उनसे पैसा खींचकर हम गरीबों में बांट दें। उसके कारण क्या हुआ कि जो रिच आदमी है वो दुखी है यहाँ पर। वो कहता है कि पैसे बनाकर अगर गरीबों को ही देना है, फ्री में बांटना है, मेरे से छीन कर, तो मुझे यहाँ पर काम करने की ज़रूरत क्या है। वो कंट्री को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। और ये जो स्कीम है ये शी जिनपिंग लेकर आए थे। राहुल गांधी, क्योंकि पता है आपको कि वो चाइना का पप्पू है, पालतू है, इनका पैसे लेता है चाइना से, तो सारी पॉलिसीज चाइना से वो इम्प्लीमेंट करके भारत में करना चाहता है। लेकिन इसका एक उल्टा असर है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी जो वर्ड है, इससे क्या होता है कि जो आदमी काम करने वाला है वो काम करना बंद कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। बैलेंस ग्रोथ कभी भी आ नहीं सकती, इक्वालिटी कभी आ नहीं सकती, क्योंकि जिसको काम ना करने की आदत हो वो कैसे काम करेगा। तो ये जो एक राहुल गांधी ने गंद डालने की जो एक मुहिम शुरू करी है भारत में, इससे भारत को भी बचना पड़ेगा। लास्टली जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं यहाँ पर, तीन, उसको बोलते हैं बैट। बैट का मतलब है बायदू, अलीबाबा, टेंसेंट। आपने इन तीनों कंपनियों का नाम सुना होगा। ये कंपनियां इतनी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ये खतरा बन गई थी कंट्री के लिए, गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट ने उसके अंदर इंटरवीन करना शुरू किया, इनका साइज़ को छोटा करना शुरू किया, इनकी जो दादागिरी थी उसे कंट्रोल करना शुरू किया, जिसके कारण एक नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट के अंदर चला गया कि भाई अगर इतनी बड़ी कंपनीज के ऊपर भी चाइनीज गवर्नमेंट हाथ डाल सकती है तो हमारा क्या होगा। इस चक्कर के कारण जो ये बड़ी कंपनीज हैं इन्होंने भी चाइना से बाहर अपने इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू कर दिया। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, भारत के अंदर भी हमेशा आता है अदानी, अंबानी, इसी का नाम हम लेते रहते हैं। उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, लेकिन उन्हें बंद करना, उनके रास्ते में रोड़े अटकाना, वो ज़रूरी नहीं है। और भारत में यही होता है, काम कम होता है, काम को रोकने के लिए सारी कंपनी, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ वो सामने आ जाती हैं। इसे भी हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। चाइना ने कंट्रोल नहीं किया, इनका ये हाल हो गया है। अब दोस्तों, अब सारी चीज़ों में होमलेस चाइना में बढ़ रहे हैं, ये कोई खुशी की बात नहीं है। लेकिन भारत के लिए सीखने के लिए इसमें से क्या है, हमें ये वीडियो बना रहा हूँ, हमें फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि ये भारत का मोमेंट है, दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत क्या करेगा। मोदी जी की थर्ड टर्म शुरू तो हो गई, लेकिन रिजल्ट अभी तक कोई भी आया नहीं है। उसका रीज़न है, हमने अपने आप को स्टेप अप किया ही नहीं, हम ग्लोबल लेवल पर हम सोचते ही नहीं हैं, हमने अपने आप को अभी डाइवर्सिफाई किया नहीं है। अपने पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम दुनिया के लिए हम सामान बनाएं और दुनिया में एक्सपोर्ट करें। मोदी जी लगे हैं, लेकिन हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। अभी मैं भारत में आया हूँ, ओनली फॉर फ्यू डेज, मेरे मंत्रियों से मीटिंग है यहाँ पर। मैं कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर लेकर आया हूँ जो मैं चाहता हूँ कि भारत में बननी शुरू हों, इसमें हमारा साइज़ राइज करेगा। मैं यहाँ पर अभी हिमाचल में हूँ, आपसे देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं जो यहाँ लोगों से मिल रहा हूँ सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लग सकती हैं। अपॉर्चुनिटी ह्यूज है, लेकिन हमारे लोग मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर ही नहीं रहे। जब ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा है कि देखिए जी मेक इन इंडिया, लेकिन उतना काम जितना होना चाहिए उतना नहीं है।
दूसरा यहाँ पर जो भारत के अंदर जो डेमोग्राफिक है हमारी है, यूथ है, अनएम्प्लॉयड है, उन्हें काम मिलना चाहिए और उसके लिए प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट को, दोनों को काम करना पड़ेगा। ये चैलेंज भी है लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी है। काम हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर उतना काम हो रहा है जितना ज़रूरत है। इस पावर को, जो यूथ की पावर है, उसे यूथ को पावर को यूज़ करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तभी भारत की तरक्की आएगी। लेकिन इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। एक इनोवेशन का जो काम है, चाइना ने जो टेक्नोलॉजी पे इनोवेशन करी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योरशिप के यहाँ पे इतने ज़्यादा कोर्सेज करवाए जाते हैं, बच्चे बच्चे को एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बनाने की एक मुहिम शुरू है चाइना के अंदर। भारत में अभी तक वो काम नहीं हुआ है। यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट लोगों को आती ही नहीं है, इसलिए ज़्यादातर जो लोग, जो यूथ है या लोग जो अपना बिजनेस शुरू करते हैं, वो पैसे नहीं बना सकते, बिज़नेस बंद हो जाता है। क्यों? मैनेजमेंट नहीं आती है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं देखता हूँ यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है, और इसके ऊपर काम करना प्राइवेट सेक्टर को और गवर्नमेंट को, ये बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये जो चैलेंजेस हैं भारत के लिए भी, चाइना के लिए भी, मैंने दोनों आपको पैरेलली समझा दिया कि भारत के चैलेंजेस क्या हैं, चाइना के अभी चैलेंजेस क्या हैं। जैसे जैसे चाइना नीचे आता जा रहा है, उतनी अपॉर्चुनिटी भारत के लिए बढ़ती जा रही है। लेकिन जिस खड्डे में चाइना गिर चुका है, भारत भी उस खड्डे में गिर सकता है अगर हमने वो चेक एंड बैलेंसेस अभी तक नहीं किए। हमारी किस्मत अच्छी है कि जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो चाइना में बैठे हैं, हमने भारत को भी समझते हैं, हम चाइना को भी समझते हैं, और इनकी गलतियों से सीखकर हम अपने भारत की जो कंपनीज हैं उन्हें समझाते हैं कि हमने वो गलतियां कौन सी नहीं करनी और कैसे हमने अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है। इसलिए मैं सारी वीडियोज़ बनाता हूँ। चाइना के अंदर होमलेस बढ़ गए हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि भारत में जो होमलेस लोग हैं वो कैसे कम होंगे और फ्यूचर में ये हो ही नहीं, ताकि वहाँ पर हर बंदे के पास अपना घर हो, अपना काम हो, जॉब्स हो, हमें गरीबी की तरफ दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। जो इंडिया की इकोनॉमिक पाथ है उसे आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं, मैं सारा टाइम वही चीज़ सोचता भी हूँ और लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ। क्या भारत इस मोमेंट के लिए तैयार है? यही क्वेश्चन मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ और आपसे भी पूछ रहा हूँ। जो इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है जो चाइना के नीचे आने से हमारे पास आ गई है, क्या हम उसे यूज़ कर रहे हैं? क्या अपने यूथ की पावर को हम यूज़ कर रहे हैं? क्या हमारी डायरेक्शन वो सही है? क्या हमारा जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है? ये सारे थॉट्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं, और मैं आपके कमेंट भी चाहूँगा इसके ऊपर कि क्या ये सारे काम हम कर रहे हैं, क्या हमारी एक जो सोच है इसके ऊपर एनालिसिस गवर्नमेंट ने करी है, उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? क्या हम सिर्फ ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर भारत को एक विश्व गुरु बनाने की तो सोचते हैं, क्या हम अपने ही घर में गुरु हैं? ये चीज़ें हैं जो मैं अभी जो भारत में आके देखा है, बहुत गैप्स हैं। मैं हिमाचल में हूँ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डे हुए पड़े हैं, मुझे सड़क कम दिखती है, खड्डे ज़्यादा दिखते हैं, और यही हमारे जो पूरी कंट्री का ये हाल है। खड्डों भरी कंट्री हमारी बन चुकी है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी का कसूर है यहाँ पे, तो कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट है यहाँ पर, इतना गंदे काम इन्होंने किए हुए हैं मैं बता नहीं सकता। इस तरह से कंट्री राइज नहीं कर सकती। सब जगह पर यहाँ पर मुसलमान नाम की चीज़ कभी होती नहीं थी, अभी यहाँ पे पहाड़ों पर मुसलमानों के पंक्चर की दुकानें लगनी शुरू हो गई हैं और ये भर भर कर यहाँ पर बसाए जा रहे हैं। सब वही बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी वाले आपको दिखने शुरू हो गए। सड़कों की साइड पर आपको ये इस एप्पल की पेटियां लेकर बैठे हुए हैं, चोरियां करते हैं, अल्लाह की झूठी कसम खाकर वो आपको गंदा सामान वो बेच देते हैं। ऊपर से वो 50 रुपये किलो का एप्पल लेके आएंगे, नीचे 200 रुपये का बेचते हैं। यही इनका DNA है और कांग्रेस उनको बढ़ा रही है। इस तरह से हम कहीं कंट्री राइज नहीं कर सकती। वोट बैंक के चक्कर में हम इन जिहादियों को फैलाते जा रहे हैं, इनको काम पर लगाने के बजाय हम इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। ये चीज़ चाइना की है जो हमें सीखनी चाहिए, जिसके कारण चाइना ने राइज भी किया और हम भारत को भी राइज करा सकते हैं। मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, लेकिन इनकी सोच जो है वो जिहादपन की है और ये जिहादपन कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके इस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर भारत की गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, इनको काम पर लगाना पड़ेगा, इनकी पावर को यूज़ करना पड़ेगा, वरना हमारा कंट्री कभी भी राइज कर नहीं सकता। ये कुछ चीज़ें हैं जो थॉट आ रहे हैं, जो मैं देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। होपफुली भारत की गवर्नमेंट इनके ऊपर सोचेगी, समझेगी और आप भी इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे, तभी भारत तरक्की करेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।